Hi guys, how are you? Hope so you're fine and your study is going well. आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट इफॉर्मेशन एंड रिपेयर गाइडलाइंस के uh, कौन से एम सी क्यूज़ और ए सी क्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है एम बी बस थर्ड ईयर और बी बी एस सेकेंड ईयर में ठीक है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो नए हैं वो कर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को जब वो ऑन कर लें ताकि आपको नई न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकें थैंक यू सो मच और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में योर इज ऑफ मोटिवेशन सो स्टार्ट इसमें पहले हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू ऑफ द दे इफॉर्मेशन डेफिनेशन एंड जनरल फीचर्स ठीक है इसमें इफार्मेशन की आपको पहले डेफिनेशन आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए इफार्मेशन क्या है और रिपेयर क्या है और जो बी की गाइडलाइंस है जिसके बी डी ईयर जो है उसमें इफॉर्मेशन में से अलग क्वेश्चन आएगा और रिपेयर में से अलग क्वेश्चन आएगा इनके कि में उससे टू ए सी आने हैं और रिपेयर जो है उसमें से वन एस सी आना है यानी कि इस चैप्टर में से आपको थ्री एस आएंगे ठीक है और नाइन एम आएंगे ठीक है तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से आपको दो ए आएंगे ठीक है और मोस्टली जो है वो एक यू क्रोनिक इफॉर्मेशन ठीक है एंड हमारे पास है इस चैप्टर में तो उसी में से ही ज़्यादा आता है मीडिएटर्स वगैरह ठीक है तो मैं आपको साथ साथ बताती चाहूँगी कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और एम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस से स्टेप तो इस स्टेप्स को प्रिपेयर करना है ठीक है तो इन्फ्लेमेशन की इसमें से आपको डेफिनेशन पहले आनी चाहिए देन आपके पास जो है टिपिकल इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस डेवलप थ्रू द सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ये स्टेप्स लिखे हुए हैं ये आपको आनी चाहिए ठीक है और उसके बाद इसकी एक शॉर्ट बुक है फिर दोस्त एक इनाम दानिश आपने अगर वह वहाँ से पढ़ रहे हैं तो वो भी वेलेंट है लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके तो इसे जो इसे एम सी क्यूज प्रपेयर हो जाएंगे और ऐसे की उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स जो हैं रोबेंस के उनकी समरीज आपको आनी चाहिए और जो फ्लो चार्ट बने हुए हैं वो आप कर लें और एक दफ़ा फिर दोस्त को गो थ्रू कर लें दैन आपका आपके मार्क्स जो हैं वो इनशाला ज़्यादा आएंगे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होंगे ठीक है सो उसके बाद इफॉर्मेशन की आई टाइप्स आ जाती हैं इफॉर्मेशन टू टाइप्स की है एक्यूट इन्फॉर्मेशन एंड्रॉनिक इन्फार्मेशन इसमें एक्यूट इन्फॉर्मेशन के डेफिनेशन उसके हुए हैं और अगले पेज पे जो है वो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं या आप भी मार्क कर लें ताकि आप जो है वो इज़ीली इसको पढ़ सके उसके बाद देन हमारे पास यहाँ पे जो है ये क्रोनिक इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन ठीक है और इसकी जो करैक्ट्रिस्टिक्स हैं वो दिए हुए हैं ठीक है तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ये ये जो स्टेप्स इसके लिखे हुए हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द इफॉर्मेटी रिएक्शन ठीक है in तो ये इन्फॉर्मेशन रिएक्शन की जो फ्लो चार्ट है ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से ठीक है ये इंपॉर्टेंट है एंड देन ये आपके पास डिफरेंस आ जाता है एक्यूट एंड क्रोनिक इफॉर्मेशन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा पेपर में है ये पूरे का पूरा टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए इसी में से भी मोस्टली बन जाते हैं उसके बाद देन कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लामेशन ये आपको पता होने चाहिए जिनमें हमारे पास आ जाती है आ जाता है हीट ठीक है उसके बाद रेडनेस देन स्वेलिंग पेन एंड लॉस ऑफ द टिश्यू फंक्शंस। इसी तरह से आपने सीक्वेंस वाइज इनके कार्डिनल साइंस स्ट्रेन को याद करना है ठीक है और यहाँ तक एक दफा रीट आउट कर लेना है इसको ठीक है उसके बाद देन uh, आपने इसकी जो डिसऑर्डर्स हैं कॉज बाई द इफॉर्मेटी रिएक्शंस ये टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए उसके बाद आपको ये बताना चाहिए कि इफॉर्मेशन इज़ टर्मिनेटेड वन ऑफरिंग एजेंट इज एलिमिनेटेड ये वाला जो पैराग्राफ है ठीक है ये वाला सारा पैराग्राफ आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है क्योंकि उसमें से एम सी आ सकते हैं उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है काजेज़ ऑफ द इफॉर्मेशन और एक ये भी चीज़ पूछी जाती है साइलेंट किलर के बारे में ठीक है इज रेफर टू एज द साइलेंट किलर तो ये आपको जो है ये पैराग्राफ आना चाहिए ठीक है ये तीन चार लाइन्स हैं ये आपने जरूर पढ़नी है एम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है then काज ऑफ द इन्फॉर्मेशन काजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको इसकी पहले नंबर पे जो दी हुई हैं इन्फेक्शन टिश्यू निक्रोसिस बॉडीज एंड इम्यून ये रियक्शन आप चाहिए देन आपने क्या करना है दो दो तीन तीन पॉइंट है इन सब में से वो याद कर लेना है सारा सारा याद नहीं करना देन हमारे पास आ जाता है रिकोग्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड द डैमेज सेल्स इसमें हम आपने पहला पैराग्राफ किया एंड देन इसके भी आपने सिर्फ को सिर्फ पॉइंट्स करने हैं सेलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोव्स और उसके बाद मैंने आपको बताया कि साथ आपने जो है uh, आपके फिर दोस्त जो है जिन्होंने पैथोलॉजी उसको खोल के रखना है यहाँ से आपने पॉइंट्स करते जाना है और उसके ऊपर जो दो दो तीन तीन मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आपने इसमें ऐड करते जाना है ठीक है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है uh, अगर आपके पास दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ ये नाम जो है वो भी इनफ होंगे लेकिन अगर थ्री मार्क्स का आ जाता है तो आपको चाहिए कि इसके अंदर एक एक दो दो पॉइंट जो है वो ऐड कर लें उसके बाद देन आपने इसके सीरीज़ ऑफ़ डैमेज एंड देन हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी प्रोटीन्स यानी कि ये तीन आपके पास हेडिंग्स हैं ये आपने पढ़नी है और इनके अंदर जो लाइन्स लिखी हुई है अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप करने नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है स्पेशली ये मैं बी डी एस सेकंड ईयर के वाले बता रही हूँ ठीक है और जो एम बी बी एस है उसने इन सारी रिएक्शन को एक दफ़ा गो थ्रू करना है उनका सिलेबस जो कम होता है लेकिन जो बी डी एस है उसका सिलेबस ज़्यादा होता है और उनको जो है वो मेन मेन पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो उन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है समरी समरी जो है इसको आपने अच्छे तरीके से याद करें इस हिसाब से आपके एससी भी हो सकते हैं और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्यूट इन्फॉर्मेशन एक्यूट इफर्मेशन के थ्री मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना चाहिए ठीक है ये तीन नाम जो है ये सिर्फ आपने याद रखने हैं कि डायलेशन होती है स्मॉल वेसल्स की इंक्रीज़ करती है परमेबिलिटी एंड द इमिग्रेशन ऑफ द लिक्वसाइज ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये एस एम सी में आते हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं उसके बाद दें हमारे पास एक्जुडेट एंड ट्रांसजुडेट इन दोनों में डिफ्रेंस आता है ये डिफ्रेंस जो है शॉर्ट ऑफ फिर जो है उसके ऊपर टेबल बना हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ में ये वाली डायग्राम आपने करनी है फिर दोस्त पर नहीं बनी तो आपने ये यहाँ से करनी है ठीक है इसके वीडियो का लास्ट में जब यह चैप्टर खत्म हो जाता है तो मैं आपको फिर दो से भी सारी मार्किंग एक दफ़ा करवा दूँगी जो लोग शॉर्ट बुक फिर दोस्त सेमाल कर रहे हैं सिर्फ उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें याद करनी है ठीक है और यहाँ से क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है दैन हमारे पास आ जाता है चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो एंड के लिए इनकी इसके बाद हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस आ रही हैं ठीक है ठीके? इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है और थोड़ी देर की होती है उसके बाद वैजो डिलेशन होती है ठीक है उसके बाद पेमेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है एंड देन हमारे पास जो है लोकलॉज उसके बाद रेडनेस हाँ ये जो तीन पॉइंट इसकी हेडिंग्स हैं वन टू थ्री फोर ये फोर पॉइंट्स हैं ये फोर के फोर पॉइंट्स आपको आने चाहिए मोस्टली आप इसके नाम जो है वही कर सकते हैं ठीक है जिस है इनकी इंक्रीज़ परमेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है तो इसके आगे से जो पॉइंट्स हैं रिट्रेक्शन होती है एंडोथीलियल सेल्स की ठीक है रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ द इंटर एंडोथीलियल स्पेसिस एंड एंडोथीलियलियलियलिय इंजरी ठीक है और ये वाले जो डायग्राम है ये आपकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है या आप अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपको तीन नंबर मिल जाते हैं ठीक है और इसके बाद इसके जो है पॉइंट्स हैं ये आपने याद रख लेने हैं सिर्फ ठीक है और देन हमारे पास जो है स्टेसिस आ जाता जा जा है उनकी ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लोराइड एंड द प्रोटीस ठीक है ट्रांसपो जिसमें हम लोग ट्रांससाइटोसिस कहते हैं ठीक है तो ये आपने सिर्फ इसके पॉइंट्स याद करने हैं और जो पिछला फ्लो चार्ट था उसको याद कर लेना है उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिकोसाइड ठीक है इस ये इसको हम लोग सेलुलर इवेंट्स भी कहते हैं मोस्टली क्वेश्चन पास्ट पेपर में जो पूछा गया है वो सेलुलर इवेंट्स का ही पूछा गया कि सेलुलर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं क्यूट इन्फॉर्मेशन में तो उसमें आपने जो है सेलुलर इवेंट्स बतानी है एंड देन आपने ये वाला जो है वैसुलर रिएक्शन इन एकट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया पीछे तो उसको आपने ये पॉइंट्स जो है वो याद रख लेने हैं वन टू थ्री फोर पॉइंट्स हैं पूरे का पूरे टेबल आपने याद कर लेना है एंड देन ये आपने जो डायग्राम है कर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और जो हमारे पास सेलुलर इवेंट्स हैं उनके अंदर हमने ये वाली हेडिंग्स देनी है ठीक है स्ट्रेसिस माइग्रेशन रोलिंग एडहेरेंस ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी जो सेलुलर इवेंट्स हैं उसकी ये डायग्राम भी बनी हुई है ये डायग्राम अगर आप बना आपको इजी लगती है तो आप कर करने नहीं लगती फिर भी इसको जो फ्लो ये एरोज में बना हुआ है ना सिर्फ एरोज लगा के तो ये आपने जो प्रोटीन्स वगैरह लिखी हैं इनके नाम सिर्फ आपने लिखते नए इन मालिक्यूल्स के ठीक है तो ये डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से बनानी है एंड देन हमारे पास जो सेलर इवेंट्स के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ भी नोट कर लें ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको आपने इसी तरह से लिखना है ठीक है और ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं एंड दें यहाँ से आपने इसको ये वाली जो अलाइंस हैं इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना ठीक है और ये वाले ये वाला पैराग्राफ आपने एम सी क्यू के लिए पढ़ लेना ठीक है और ये वाला जो है हमारे पास टेबल थ्री पॉइंट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेज इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसे दफ़ा रीड आउट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड देन हमारे पास सिलेक्शन में डिटेड कौन कौन से हैं तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक uh, है ये आपने याद करना है एंड देन इंटीग्रेंस ठीक है ये जो लाइन है ये एम सी क्यू है ये आपको आना चाहिए ठीक है टू द एंडोथिलियम इज मीडिएटेड बाई फैमिली ऑफ लीकोसर सर्फस प्रोटीन्स कर इंटीग्रेंस ये इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए सिलेक्टेंस और इंटीग्रेंस के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए के अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स, कौन सी प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके सिर्फ नाम ये जो टेबल में लिखे हुए आपने यहां से कर लेने है। वहां से आपने की डेफिनेशन कर लेनी है ठीक है और इनके मॉलिक्यूल्स के नाम, नाम जो है वो आपने याद कर लेना है ठीक है एंड देन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक एक दो दो पॉइंट आपने याद कर लेना अगर याद रहता है वैसे इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ मालिक्यूल्स आप अच्छे तरीके से याद रख लें कौन कौन से वही इसमें सेल इवेंट्स में बताएँ अगर आप ये डायग्राम करते हैं साथ में ये करते हैं तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक दैन हमारे पास इसमें ट्रांसमाइ्र माइग्रेशन ट्रांसमाइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे हम डायबिसिस भी कहते हैं और ये जो है एम सी क्यू की लाइन है ठीक है तो ये आपने एम सी क्यू के लिए जरूर पढ़ना है और इसके अंदर कौन से रिहन मालिक्यूल्स प्रेजेंट है ये आपको पता होने चाहिए दैन हमारे पास आ जाता है कीमो टैक्सिस की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इसके लिए चार्ट पॉइंट ये आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से एंड देन ये वाली जो लाइंस हैं हमारे पास की मोस्ट ऑफ एक्यूट इंफॉर्मेशन न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंस इन द इंफॉर्मेट्री इंफिल्ट्रेट करते हैं ड्यूरिंग कितने आवर्स में ठीक है ये आपको बताना चाहिए और जो हमारे पास मोनोसाइड ड्राइवड माइक्रो फेजिज हैं वो कितने में करते हैं रिप्लेस कितने में आ, कितनी देर में होते हैं तो वो आपने प्लानिट ट्वेंटी फोर तो, टू फोर्टी एट आर्स ये वाली जो लाइन है ट्वेंटी फोर तो टू ट्वेंटी एट आर्स वाली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू के लिए इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है उसके बाद सीडियो में नॉस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इसको बाद आप एक दफा रीडोट कर लेंगे क्योंकि एम सी क्यू है तो आपको हो जाए ठीक है और ये जो एजेंट्स हैं इनको आपने एक दफा रीडोट कर लेना ठीक है वैसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाली लाइन है एंड डेन की मोटासीज और ये वाले पॉइंट्स हैं उसके बाद देन हमारे पास लिकोसाइड फीवर

सेलोर इवेंट्स में आएगा तो आपने सेलोर इवेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से लिखने हैं सैलो इवेंट्स एंड वेस्कुलर चेंजेस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट क्वेश्चन हैं ठीक है तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है विद डायग्राम्स उसके बाद दें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है स्टेप्स फेकोसाइटोसिस के कौन कौन से हैं ठीक है तो ये आपको क्वेश्चन स्टेप्स जो है ये बताने चाहिए इनके अपने नाम जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद ऑस्पोनाइजेशन बार के बारे में पूछा जाता है तो ऑस्पोनाइजेशन के बारे में ये जो लाइन्स हैं ये आपको आनी चाहिए ठीक है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है और ये जो फाइवोसाइड ऑसिस की बनी हुई है अगर आपको फर्स्ट टाइम है आपको याद होती है तो कर लें वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद दैन हमारे पास आ जाता है आर ओ एस टी के इसमें हमने बताने स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आर ओ एस को आ, आपको आ सकता है ठीक है वैसे अब तक आया नहीं लेकिन आ सकता है तो इसके जो स्टेप्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं और फिर है वहाँ पर भी आई होप सो इसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको क्या करना है गूगल से स्टेप्स निकाल लें और सिर्फ उनको इधर लिख लेना ठीक है बाकी सारा पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है उसके बाद दैन हमारे पास लिखो साइड मेडिएटेड टिशू इन्जरी इसमें आपको बताना चाहिए कि लिकोसाइड डेमिटिश रिलीजिंग इंज्रियस मालिक्यूल जो हैं वो रिलीज करते हैं ठीक है एंड देन हमारे पास प्रस्ट्रेटिड फेगोसेटोसिस सब्सटेंसेस जो हैं उनका क्या रोल है ये आपको बताना चाहिए और ये वाली जो शुरू हुई लाइन्स हैं इनको एक दफा आपने रीड आउट कर लेना ठीक है अपने पॉइंट्स में ये वाला लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद इसमें जो हमारे पास ये लिखी हुई है सामरी टेबल लिखा हुआ है ये आपने एक्टिफिकेट से प्रिपेयर कर लेना है कि अगर ऐसी भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें ठीक है बाकी पढ़ा करने की आपको जरूरत नहीं है उसके बाद हमारे हाँ पास आ जाते हैं मीडिएटर्स ऑफ द इफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आपको पहले मीडिएटर्स ऑफ द इफॉर्मेशन का बताना चाहिए कि क्या होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं एंड देन ये टेबल आपने आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए इसी टेबल में से आपको एस आएंगे इसी टेबल में से आपको एम आएंगे तो ये टेबल आपने ज़रूर याद करना है एंड देन आपने ये वाली जो लाइन्स हैं इनको सिर्फ एक दफ़ा uh, जो है वो ओवरव्यू ले लेना इनका एक दफ़ा इनको पढ़ लेना कि अगर कोई एम आपका है तो वो आप सॉ कर सकें उसके बाद वैक्स टिवेट अमाइंस ठीक है ये जो हमने पढ़े हैं वो सारे अभी आगे यहाँ पे डिटेल लिखे इसमें जो एर्गेइड एसिड मेटाबोलाइट्स हैं इन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आपको आना चाहिए और ये जो सारा लिखा हुआ है इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने पहले टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और इसको एक दो दफ़ा रीड कर लेना है उसके बाद देन हमारे पास इसका जो ये वाला फ्लो चार्ट है ठीक है ये फ्लो चार्ट आपने जरूर करना है ये पास पेपर में भी आया है और ये आपको आना चाहिए एर्ग नाइट मेटाबोलाइट्स इसका उन्होंने कहा था लाइफ साइकिल बताएं तो लाइफ साइकिल इसका जो है वो ये आ जाता है ठीक है उसके बाद एन ये मेरा जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इससे भी आपके एम सी क्यूज़ और एस सी क्यू जो है वो प्रिपेयर होंगे ठीक है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं ठीक है एंड देन हमारे पास जो है ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है ठीक है वो सिर्फ टेबल में ही आपका जो है कंप्लीट हो जाता है वैसे आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड क्या होते हैं और कौन कौन से हैं क्या और कौन कौन से हैं ठीक है थोड़े से फंक्शन आपको जो है वो पता होने चाहिए ठीक है बाकी इतना इंपॉर्टेंट डिटेल करने की जरूरत नहीं है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस इनके बारे में भी ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपने पढ़ लेना है और इनके अंदर कौन कौन साइटो साइटोकाइस कौन कौन से एंड कौन कौन से ये भी आगे टेबल है ये आपने टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है टेबल आपने सारी करने हैं और बाकी जो है डेफिनेशन वो आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर की प्रिपेयर करनी है काजेस कौन कौन सी है वो आपको पता बतानी चाहिए हर टॉपिक की जो 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 लिखी हुई हैं एंड देन ये जो है रोल्स ऑफ दी साइटोकाइंस ये इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ आपने इन नाम याद रखने हैं जैसे कि एंडीलिया एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ द लीकोसाइट एंड द सेल सिस्टमिक एक यू रिस्पॉन्स ये सिर्फ पॉइंट्स जो है ये आपने याद करने हैं उसके बाद कीमोकॉइंस आपको पता बता चाहिए और ये जो वाली जो लाइन है अबाउट फोर्टी कीमो कीमोकॉइंस एंड ट्वेंटी डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर द कीमोसाइन हैव बीन आइडेंटिफाइड तो ये एम सी क्यू की लाइन है ये आपको आनी चाहिए ठीक है उसके बाद कीमोकाइंस कौन कौन से हैं वो आपको बस पता होना चाहिए सी एक् सीसी सी कीमोकाइंस ठीक है और उनका फंक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए ठीक है बाकी इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है उसके बाद ये अगर आपने करनी है तो कर ले वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एंड देन हमारे पास कीमो ये इंपॉर्टेंट है कि की, कीमोकाइंस पायंड करते हैं प्रोटो प्रोटोग्लेनाइड प्रोटोग्न प्रोटो से एंड डिस्प्लेस एट हाई कंसनट्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफिल तो इसके मेन फंक्शन क्या है तो ये आपने पैराग्राफ जो है ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना ठीक है ऐसे क्यों ये आ सकता है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कंप्लीमेंट सिस्टम कंप्लीमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है और इनकी भी जो ये वैल्यूज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए प्रोटीन इसमें कितनी प्रेजेंट होती है या किससे ये नंबर्ड होती है सी वन से सी नाइन तक ये एम सी क्यूज की लाइन है ये आपको तक आनी चाहिए ठीक है बाकी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एंड देन ये जो थ्री पाथवे है ये आपको बताना चाहिए ठीक है एंड देन थ्री देर ऑल थ्री पाथवेज ऑफ द कम्प्लीमेंट फ्रीडियशन और ये जो हेडिंग्स वाली लाइंस हैं ये आपको बताना चाहिए और यहाँ से आपने ये वाला जो टेबल है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना ठीक है इसमें ऑस्पोनाइजेशन एंड एनफेगोसाइटोस ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना चाहिए ठीक है कम्प्लीमेंट सिस्टम हैज थ्री मेन फंक्शन ठीक है इसके ये थ्री मेन फंक्शन हैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए यहाँ तक ठीक है बाकी सिर्फ आपने रीड आउट कर लेना है सिर्फ एम सी ड्यूज़ के लिए ठीक है रेगुलेटरी प्रोटीस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन कौन आ, कौन कौन सी हैं ये आपको नाम बस आने चाहिए बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है अदर मेडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन्फर्मेशन टिकीकापेल्टर एक्टिवेटिंग फैक्टर्स प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशन काइंस सिर्फ इनकी आपने नाम याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना है ये टेबल जरूर करना है इसी में सब ए और एमसीक्यूज आएंगे एंड देन हमारे पास आ जाता है uh, समरी टेबल समरी टेबल आपने दोबारा से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ठीक है जैसे ऐसी क्यू में प्रिपेयर किया जाता है ठीक है उसके बाद दिन हमारे पास आ जाता है मार्फॉलॉजिकल पैटर्न मार्फोलॉजिकल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो आपके जो पाट पेपर्स हैं उनमें तकरीबन जो मार्फोलॉजिकल पैटर्न है एक ऐसे क्यों इसमें से आया हुआ है और बाकी जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें से एक ऐसे क्यों आया हुआ है ठीक है तो यानी कि आधे चैप्टर में से एक ऐसे क्यों और आधे टॉपिक में से एक ऐसे क्यों ठीक है तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अगर आपने ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया तो शायद आपका एक ऐसे क्यों काम हो सकता है और इसमें से छः एम क्यों जाने तीन उसमें उस जो शुरू तक का मैंने आपको बताया उसमें से और बाकी इसमें से ठीक है तो इसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी का पैटर्न आपने जो है यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट करके ठीक है इधर ही होप से इसका भी सबमिटेबल बना होगा वो आपने कर लेना इसका नहीं बना हुआ ठीक है तो आपने यहाँ से सिर्फ इसको रीड करना है और इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए सीरियस इंफॉर्मेशन क्या है फेबरीनियस इंफॉमेसन क्या है और हमारे पास जो पीडियंट प्र, इन्फॉर्मेशन है वो क्या है इसमें एफ एस एस भी है और अलसर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट है चाहे आप इनको फिर दोस्तों शॉर्ट बुक जो है वहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास आउटकम्स ऑफ द ये मैंने आपको पिछले टेबल समरी टेबल में भी बताया था कि आउटकम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है आप वो वाली लाइन्स जो है वो चीज़ प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर भी इसका छोटा लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये अपने फ्लो चार्ट भी इसका करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आउटकम्स हैं ये अपने छत्तीसग्र से प्रीपेय करना है लेकिन जब आपने ऐसे के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ उसके आपने पहले ये पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन एक एक दो दो पॉइंट इसमें से निकाल कर लिखने इतना लंबा नहीं लिखना ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनिक इन्फॉर्मेशन और ये फ्लो चार्ट अपने छत्रीग्रेस करना है जिसके हमारे पास ये जो इसकी अगर देखा जाए तो अगर रेजोल्यूशन आ गया इसके ये वाले पॉइंट्स आप याद करेंगे ठीक तो है की यूटी इफॉर्मेशन रेजोलेशन क्रोनिक इफॉर्मेशन फाइब्रोसिस ठीक है तो यानी कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ ये वो चार्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बाद क्रोनिक इन्फॉर्मेशन क्रोनिक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन एंड काज काजस की भी आपको ये जो हैडिंग्स हैं ये अच्छे तरीके से आनी चाहिए ठीक है और डिलेट टाइप हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी इसका आपको पता होना चाहिए ठीक है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आटोमियन डिजीज ठीक है एंड देन आपने इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस तो ये जो हमारे पास आ जाती हैं काजेज़ ऑफ द एक्ट्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये आपको आनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्यूज़ हैं सारे जितने भी मैंने आपको हैं ठीक है उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में इसके सिर्फ इसके आपने यहाँ तक यही पॉइंट्स आपने याद करने हैं ठीक है सोच नहीं है कर लेगा उसके बाद हमारे पास सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ द क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इसमें जो सेल्स हैं इनके सिर्फ आपको नाम आने चाहिए ठीक है और जितने भी सेल्स हैं उनका एक एक दो दो फंक्शन है जिसके मैक्रोफेज जिसका क्या फंक्शन होता है आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा तो आपने क्या करना है इसमें से सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट निकाल के सिर्फ मैक्रोफे जो मतलब सॉरी सेल्स हैं उन सब सब सेल्स के एक एक दो दो फंक्शन आपको पता होना चाहिए और इनमें कोई प्रोटीन्स वगैरह जैसे कि प्रेजेंट है तो वो आपको पता बता चाहिए जैसे कि दे आर टू मेजर पाथवेज और पाथवे जो है इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है एंड अल्टरनेटिव पाथवे क्लासिक पाथवे अल्टरनेटिव बात ये इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए और बाकी आपको सेल्स जो हैं उनका एक एक दो फंक्शन आना चाहिए ठीक है और ये भी आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना है उसका रोल ऑफ इम्फोसाइड्स इसमें भी आपने पहली पहली जो तो तीन तीन लाइंस हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है एंड देन हमारे पास इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन में ये इंक्लूड होते हैं ठीक है इसके अंदर कौन सी जो प्रोटीन्स हैं साइटोकाइंस प्रेजेंट है वो आपको बताना चाहिए उनका रोल क्या है वो बताना चाहिए जैसे ये तीन जो है आपको एम सी क्यूज में आएंगे ठीक है इस वैसे अभी तक एसी क्यूज़ में जो है वो कुछ नहीं आया सिर्फ उसमें उन्होंने सेल्स के और मेडिटर्स के नाम पूछे हुए हैं और एक एक दो दो रोल पूछा हुआ है ठीक है इनके फंक्शन पूछा हुआ है ठीक है इतना डिटेल में आपने नहीं करना लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवाड़ी आपने एम सी क्यू के लिए ज़रूर पढ़नी है ठीक है उसके बाद ये आपने ज़रूर करना है इसमें से उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट इनके दरमियान अपने डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना अदर सेल्स कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इजीनोफिल्स मास सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये जो है कि हैं? अदर सेल्स हैं और इनका एक दो दो फंक्शन आपने याद कर लेना सारी डिटेल याद नहीं करनी उसके बाद ग्रेनुलोमेट्स इफॉर्मेशन ग्रेनुलोमेटेस इनफॉर्मेशन इसकी भी डेफीनेशन ये आपने साड़ी का सारा याद करना है ठीक है इस साड़े का सारा मतलब आपने अच्छे तरीके इस से इसको प्रिपेयर करना है इसमें से एम सी क्यू ज़रूर रखते हैं तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इसकी टाइप्स आपको जो है एसी क्यू के लिए आनी चाहिए इसकी काजिज और जॉइंट सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड दें इसकी डेफिनेशन और ये जो इसकी मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इसमें कैशियस नेक्रोसिस आ सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये सारा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है क्रोनिक इफॉमेशन का समरी टेबल वैसे ही आपने मैंने पहले को पता है ये चेपी कैसे प्रिपेयर करना है और आपको क्रोनिक इफॉर्मेशन के बारे में आते हैं कि रिटर्न क्रोनिक इन्फॉर्मेशन तो आप आराम से ये टेबल लिख सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद दैन हमारे पास ये जो टेबल है एग्जाम्पल्स ऑफ द रेन इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ठीक है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इससे आपको एम सी क्यू वो जरूर आएंगे ठीक है और दैन हमारे पास आ जाता है सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ द इफॉर्मेशन सिस्टेमिक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जैसे हमारे पास फीवर आ जाता है इकोसाइटोसिस आ जाता है ठीक है एक्यूट फेस प्रोटीस आ जाता है और ये जो हमारे पास सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं इनके भी आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है और देन आपने क्या करना है इनके एक दो पॉइंट याद करने हैं जो फीवर है इससे रिलेटेड आपको आ, आ सकता है स्नेरू बेस्ड क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आपको प्रॉफ में आए हुए हैं ठीक है तो आपको पता होना चाहिए फीवर कैसे होगा इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं ठीक है और ये लिखे हुए हैं सिस्टेमिक इफेक्ट्स यानी अगर आप ये टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी ठीक है इफेक्ट का ये टेबल आपने याद कर लेना है और टेबल्स मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ आपने सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और आपने जो असम्बली टेबल्स हैं ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं ठीक है उसके बाद दैन हमारे पास आपकी जो जनरल पैथोलॉजी फिरडोस है उधर से मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत मिसाइस आपने करना है इसमें देखें हेडिंग्स के साथ हर चीज़ दी हुई है ठीक है तो इसको आपने ज़रूर साथ रखना है और साथ एक दफा देख लेना जो चीज़ आपको रोबिन से मुश्किल लगे आपने उसको यहाँ से याद कर लेना ठीक है और एम सी क्यू के लिए जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स ये पैराग्राफ्स बताए हैं कि ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेने हैं उनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है और यहाँ पे जैसे ट्रांसिलडेट एक्जीडियर का डिफेंस लिखा हुआ है ये आप कर सकते हैं वैसे प्रमेबिलिटी अभी तक कितनी ज़्यादा लिखी है आप ये सारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से आप एक दफ़ा रीड आउट करें और वहाँ से जो आपका सामरी टेबल था और डायग्राम बनी हुई थी वो वो कर ले तो आपका वैक्लोल प्रमेबिलिटी हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आपने हर चीज़ को देख के करना है जैसे ये सिक्वेंस लिखे हुए हैं ये आपको सीक्वेंस आना चाहिए यहाँ पे जो डिटेल चीज़ें लिखी हैं वो नहीं करनी सिर्फ इजी इजी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने याद करनी है जिससे मैंने आपको उसमें बता दिया ठीक है केमिकल मेडिएटर्स बताए हुए हैं ये आपने जरूर पढ़ लेना है यहाँ से भी एक बार यहाँ पे इसके सारे फंक्शन हैं कंप्लीमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है एंड देन हमारे पास तो इसके भी मैंने समी टेबल्स और रिकॉल्स बताई हुई हैं ठीक है इनमें से एम सी क्यूज़ आते होते हैं मतलब इस तरह की एम सी क्यूज लाइन्स होती हैं तो ये आपने एक दफ़ा तो रीड और फिर दो ज़रूर कर लेनी है क्रोनिक इन्फॉर्मेशन भी आ गया ऑफ हफ्ते क्रोनिक इफारमेशन ठीक है ये मैंने आपको बताया तो उसमें भी ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है इसके ये हमारे पास सेल्स आ जाती हैं इनकी टाइप्स फंक्शंस ठीक है ये आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक पेज लिखा हुआ है ठीक है और वहाँ पे इतना ज़्यादा लिखा हुआ है मैं तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं ठीक है फॉर एम बी बस और बी डी एस के लिए मोस्टली जो है वो हमारे पास इसके जो हेडिंग्स हैं और एक एक दो दो फंक्शनस हैं ठीक है ये आपको आने चाहिए हर चीज़ के देखिए यहाँ पे फंक्शन उन्होंने दिए हुए हैं ठीक है तो ये आपने फंक्शन जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके प्रिपेयर कर लेने हैं एंड देन के रोमेलिस इसका ये सारा आपने याद करना है और देन के डायग्राम आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है डायग्राम भी पूछी जाती है जाती है जॉइंट सेल्स टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमेलस ये आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ करना है टॉपिक जो है सॉरी वो करना है ठीक है लिम्फैटिक लिम्फाइड टिश्यू इन्फॉर्मेशन इसको आपने एक दफ़ा रीट आउट कर लिया ठीक है मार्फोलॉजी का पैटर्न इन्होंने का सीरियस इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा बताया हुआ जो मैंने आपको पहले भी बता दिया सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन फीवर के बारे में यहाँ से आप इजिली पढ़ सकते हैं और आपके यहाँ से एसी क्यूज जो प्रिपेयर हो सकते हैं ठीक है बहुत से लोग कहते हैं फिर दोस्त नहीं ठीक है लेकिन फिर दोस्त ठीक है और आप साथ इसको रोबिन से कंपेयर करके पढ़ें यानी कि रोबिन के जो आपके आ जाते हैं समी टेबल्स एंड देन डायग्राम्स फ्लो वार्ड्स वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें फिर दोस्त अच्छे तरीके से याद कर लें आपके एसी क्यूज़ अच्छे तरीके से एम सी क्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे ठीक है होप्स के आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन आपने इसको जो है वो जरूर अच्छे तरीके होप्स के वीडियो जो है वो आपको आपके लिए जो है वो बेनिफिट होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक थे। यू लव फेज